आयुर्वेद के अनुसार बताए गए भोजन के नियमों का पालन यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति का शरीर कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। बीमारी तो दूर की बात है, उस व्यक्ति को कभी भी खांसी जुकाम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। व्यक्ति के शरीर को होने वाली सभी बीमारियों का कारण है भोजन। भोजन के नियमों का पता ना होना ही बीमारियों का कारण बनता है। शायद जंगल में रहने वाले जानवर इसीलिए बीमार नहीं पड़ते क्योंकि उन्होंने अपने भोजन के नियमों को नहीं बदला। लेकिन मनुष्य को इतनी सारी बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि उसने नियम ही नहीं बदले बल्कि अपना भोजन ही बदल डाला। और यही कारण है कि हमारे आसपास हजारों बीमारियों ने अपना डेरा डाल रखा है। भोजन की छोटी सी भूल आपको गंभीर बीमारी की तरफ ले जा सकती है। इस वीडियो के अंदर आपको आयुर्वेद के अनुसार बताए गए भोजन के वो सभी नियम पता चलेंगे। उसके बाद आपका भोजन आपके लिए एक औषधि बन जाएगा, संजीवनी बन जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, क्योंकि आजकल व्यस्त दिनचर्या के कारण कोई भी व्यक्ति सभी नियमों का पालन शायद नहीं कर पाता है। और यदि आप सभी नियमों के पालन करते हैं तो इसमें 100% गारंटी है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एक लंबा स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चले जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार भोजन के नियम एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक गांव का सेठ एक ऋषि के पास पहुंचा। वो ऋषि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। जब वो सेठ ऋषि के पास पहुंचा तो ऋषि देखते ही पहचान गए कि ये व्यक्ति कभी भी भोजन के नियमों का पालन नहीं करता है, इसी वजह से इसका शरीर उबड़ खाबड़ हो चुका है। ऋषि ने उस सेठ को देखा और कहा, सेठ जी, आप अपने भागदौड़ की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि आपका पेट आपसे भी आगे निकल पड़ा। सेठ थोड़ा सा मुस्कुराए और ऋषि को प्रणाम करते हुए उनके पास आकर बैठ गए। सेठ जी ने सबसे पहला सवाल ऋषि से यही किया कि गुरु जी, आप मुझे ऐसे नियम बता दीजिए जिसे इस बेढंगे शरीर को सही कर सकूं। वो ऋषि हंसते हुए सेठ जी को भोजन के नियम बताते हैं। ऋषि कहते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार बताए गए यदि आप इन भोजन के नियमों का पालन करोगे तो आपका शरीर तो सही शेप में आएगा ही, साथ में आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और स्वस्थ लंबा जीवन जी पाएंगे। उसके बाद वो ऋषि भोजन का सबसे पहला नियम बताते हैं। पहला नियम है, अपने शरीर के दोषों के अनुसार भोजन चुने। आयुर्वेद में स्वस्थ का कारण 3 दोषों को बताया गया है। इन्हें वात, पित्त और कफ के नाम से जाना जाता है। आपके शरीर में जिस दोष की प्रधानता है उसे बैलेंस करने के लिए ऐसा भोजन खाएं जो शरीर में प्राकृतिक कमी को पूरा करता हो। जैसे यदि आपके शरीर में वायु की अधिकता है, यानी आपको गैस अधिक बनती है, ड्राइनेस रहती है, शरीर में बहुत हल्कापन या अक्सर कमजोरी महसूस होती है, तो आप अपने भोजन में घी, दूध, गुड़, ताजे मीठे फल और सूखे मेवे को शामिल करें और इन सभी चीजों को हर रोज खाएं। और यदि आपके शरीर में पित्त दोष अधिक रहता है, यानी आपको गर्मी अधिक लगती है, सीने में जलन की समस्या होती है, एसिडिटी अक्सर होती है, तो आप अपने भोजन में खीरा, ककड़ी, नींबू, आंवला, केला, पुदीना, अनार, हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें। और यदि आपके शरीर में कफ दोष की अधिकता है, यानी कि शरीर में भारीपन रहना, हर समय नींद आना, हमेशा थके हुए रहना, तो ऐसे में आपको उन चीजों का सेवन करना चाहिए जो शरीर को लाइट रखने में मदद करती हो, जैसे रसेदार सब्जियां, फल, अनानास, पपीता, चीकू, नाशपाती, अमरूद, हरी फलियां, ये सब चीजें अधिक खाएं। ड्राई फ्रूट खाएं, वो भी खास तौर पर मखाना और बादाम ज्यादा खाएं। आयुर्वेद के अनुसार दूसरा नियम है, गर्म और ताजा भोजन करें। आयुर्वेद के अनुसार ठंडा भोजन खाने से बचना चाहिए। कोशिश करें जो भोजन आप कर रहे हो वो गर्म और ताजा हो। बता दें कि गर्म भोजन अग्र या पाचन अग्नि को उत्तेजित करता है। इतना ही नहीं, ये पाचन क्रिया को बढ़ावा देने में भी मददगार है। गर्म भोजन से मतलब है भोजन इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसे आसानी से खा सके। बहुत ज्यादा तेज गर्म भोजन ना करें। यदि आप ज्यादा गर्म भोजन करेंगे तो ये आपके शरीर में पित्त दोष को बढ़ा सकता है, और यदि आप ठंडा भोजन करेंगे तो ये आपके शरीर में पाचन क्रिया को पूरी तरीके से प्रभावित कर देगा। इसलिए भोजन ना तो गर्म हो और ना ही ठंडा हो, लेकिन ताजा जरूर हो। भोजन बनने के 48 मिनट के अंदर ही भोजन को कर लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तीसरा नियम है, मौसम के अनुकूल भोजन करें। आयुर्वेद के मुताबिक हमेशा मौसम के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। मौसम के अनुकूल भोजन करने से
कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव होता है। आयुर्वेद के मुताबिक गर्मियों में हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही गर्मियों में तरल पदार्थ और ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। वहीं सर्दियों के मौसम में ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएं जो शरीर को गर्म रखे। सर्दियों में बासी और ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन का चौथा नियम है, एक बार में ज़्यादा ना खाएं। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में लोग अक्सर सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं और फिर लंच में एक साथ ज़्यादा भोजन करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कभी भी एक साथ ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। एक बार में बहुत ज़्यादा भोजन खाने से पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है और भोजन को पचाने में मुश्किल होती है। आयुर्वेद के मुताबिक हमेशा भूख से थोड़ा कम भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन का पांचवा नियम है, आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने का एक क्रम होता है जिसका हमें पालन करना चाहिए। हमारे आहार में छठरस होते हैं जिनका क्रम से हमें अपने भोजन में उपयोग करना चाहिए। हमें अपने खाने की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए, मीठे के बाद खट्टा और खट्टे के बाद नमकीन, उसके बाद तीखा और उसके बाद कड़वा, और भोजन के अंत में कसेला पदार्थ खाना चाहिए। क्रम कुछ इस प्रकार है, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसेला। यदि आप स्वस्थ हो तो अपने भोजन में 6 रसों का उपयोग कीजिए और यदि आप अस्वस्थ हो तो अपनी प्रगति जैसे वात पित्त कफ के अनुसार भोजन में इन रसों का उपयोग कीजिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने का छठा नियम है कि हमें अपने भोजन को 32 बार चबाना चाहिए और यदि आप 32 बार नहीं चबा सके तो कम से कम 20 बार तो अवश्य ही चबाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम गिनती करना शुरू कर दें, हमें भोजन को इतना चबाना चाहिए ताकि उसे आराम से निगला जा सके। ऐसा करने से भोजन आसानी से पच सकेगा और आपको उससे होने वाला लाभ भी पूरा पूरा मिल सकेगा। आयुर्वेद के अनुसार भोजन का सातवां नियम है, भोजन जल और वायु में संतुलन हो। आयुर्वेद के अनुसार हमें अपने पेट का 50% भाग भोजन से और 25% भाग जल से भरना चाहिए और बचा हुआ 25% भाग वायु के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने का आठवां नियम है, भोजन करते समय पानी ना पिएं। कुछ लोगों को खाना खाते समय पानी पीने की आदत होती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। इससे खाना सही तरीके से नहीं पचता जिससे उसे पाचन में ज़्यादा समय लगता है। भोजन करते समय पानी पीने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से लगभग 40 मिनट पहले या भोजन करने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने का नौवां नियम है, रात में दही नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में रात के समय दही खाने के लिए मना किया गया है। रात में दही खाने से शरीर में कफ और पित्त दोष बढ़ता है, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। रात के समय शरीर में स्वाभाविक रूप से कफ का प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसे में अगर व्यक्ति दही खाए तो उसे कफ संबंधी परेशानियां होने का रिस्क बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने का दसवां नियम है, भोजन के ठीक बाद ना नहाए। खाना हमेशा नहाने के बाद ही खाना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहाने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, इससे आपका पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है। दरअसल खाना खाने के बाद शरीर में अग्नि तत्व सक्रिय हो जाता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। अगर भोजन के तुरंत बाद नहाया जाए तो अग्नि तत्व शांत हो जाता है और भोजन ठीक से न पचने से कई तरह की समस्याएं हो जाती है। खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे के बाद ही स्नान करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार 11वां नियम है, खाने के तुरंत बाद ना टहलें। ज़्यादातर विशेषज्ञ खाने के बाद टहलने की सलाह देते हैं, लेकिन आयुर्वेद की माने तो खाने के तुरंत बाद नहीं टहलना चाहिए। इससे शरीर में वात का प्रकोप बढ़ता है और गैस व इससे जुड़ी समस्याएं हो सकती है। खाना खाने के करीब आधे घंटे बाद टहलने के लिए जाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार 12वां नियम है, खाने के तुरंत बाद ना सोएं। खाने के तुरंत बाद सोने की गलती रात के समय ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खाने और सोने के बीच करीब 3 घंटों का अंतर होना जरूरी होता है। खाने के तुरंत बाद सोने से पाचन तंत्र प्रभावित होता है, साथ ही मानसिक प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। आयुर्वेद के अनुसार 13वां नियम है, खाना तब खाए जब आप भूखे हो। जब पिछली बार खाए गए भोजन का रस पच जाता है और उसे मिली हुई ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है तब शरीर को भूख का एहसास होता है और हमें उसी समय भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार 14वां नियम है, आरामदायक और शांतिपूर्ण जगह पर बैठकर भोजन करें।
आपको खाना खाने के आसपास की जगह का ध्यान रखना जरूरी है। साफ हो, सुंदर हो और वो जगह शांत होनी चाहिए, और यदि हो सके तो आप अपने भोजन को एकांत में करें। आयुर्वेद में खड़े होकर भोजन खाना भी वर्जित है, इसीलिए भोजन अकेले में शांत में बैठकर भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार 15वां नियम है कि जूते चप्पल पहनकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गर्मी की उत्पत्ति होती है, इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार पैरों को धोकर आलती पालती मारकर या फिर बैठकर खाना खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार 16वां नियम है, खाना खाते समय कुछ ऐसा ना करें जिससे ध्यान भटके, जैसे बातचीत हो, फोन का इस्तेमाल हो, टीवी देखना या कोई बिजली से चलने वाला यंत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें भोजन को धीरे धीरे करना चाहिए, जल्दीबाजी में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में हम भोजन को सही तरीके से नहीं चबा पाएंगे। और पीछे जैसे हमने जाना था कि हमें भोजन को 32 बार चबाकर खाना चाहिए, और भोजन के छोटे छोटे निवाले लेने चाहिए ताकि उसको चबाने में आसानी हो और उसका पूरा लाभ हमें मिल सके। आयुर्वेद के अनुसार 17वां नियम है, एक निश्चित समय बनाएं और उसी के अनुसार भोजन करें। समय से खाना खाने से आपकी पूरी सेहत ठीक रहती है। अगर आपके खाने का एक निश्चित समय है तो उस समय से थोड़ी देर पहले शरीर में पाचन रस पर्याप्त मात्रा में बन जाता है। खाना खाने के दौरान पेट का एक तिहाई भाग खाली छोड़ देना चाहिए ताकि ये पेट में जाकर अच्छे से पच जाए और वात दोष को संतुलित रखा जा सके। अपनी बात को जारी रखते हुए ऋषि कहते हैं कि सेठ जी, यदि आप इस बातों का ध्यान रखेंगे और आयुर्वेद के बताए गए भोजन के इन नियमों का पालन करते हो तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और आपका शरीर भी सही शेप में आ जाएगा। आप हल्का महसूस करेंगे, बहुत शांत महसूस करेंगे, और इन नियमों का पालन करने से, भोजन करने से हमारा मन भी भरता है। उसके बाद ऋषि कहते हैं कि सेठ जी, पैसों से ज़्यादा आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। आप कितने भी पैसा कमा लो, आप सुस्त नहीं कमा सकते, लेकिन यदि इन नियमों का पालन करेंगे तो आप एक अच्छा स्वस्थ कमा पाएंगे, और वो अच्छा स्वस्थ आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सुख प्रदान करेगा। ये सब बातें बताने के बाद वो ऋषि मौन हो जाते हैं और वो सेठ जी ऋषि को प्रणाम करते हुए अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार बताए गए नियम आपको पता चले होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।